मोटापा देखिए, इतने काले बाल कुछ भी नहीं कर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड नमस्ते लिव सिंपली विद संजीता चैनल के और एक नए फ्रेश धमाकेदार ब्लॉग में आप सभी का दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग मस्ती होंगे और आप लोग के प्यार भगवान के आशीर्वाद से हम सब भी ठीक है। और वैसे तो लग रहा होगा कि आपको मैं भी ठीक हूँ। तो जी हाँ, मुझे अभी फीवर नहीं है, बस थोड़ा सा कोल्ड कॉफ है। तो मैं आई हूँ थोड़ा शॉप, घर पे जाके दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। सो प्लीज़ ब्लॉग को देखते रहिए बिना स्किप करे। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सब्जी का इतना दाम हो गया, खाना इतना महंगा हो गया, मछली भी दाम, सब्जी भी दाम, लोग खाए क्या? तो ये लिया है डियोके, जिसके ले लो वेलू एक्टा एक्टा, ठीक है। एक एक करके और ये सारे सामान में गए मैं 400 रुपये। यहाँ पे हल्दी का बड़ा पैकेट नहीं था तो 5 रुपये का 2 लेके आई, ताज़ा हाफ लीटर, छोटा सा एक ब्राउन बेड। और यहाँ पे हरी मिर्च, एक खीरा, ये वाला 10 रुपये लिया है। ये बैंगन 10 रुपये, बैंगन तो फिर भी ठीक है, एक 10 रुपये। तो यहाँ पे ब्रेड को मैं थोड़ा सा सेक रही हूँ, तेल गर्म हो चुका है। यहाँ पे मैं बनाऊँगी ऑमलेट। दारा एक सेकेंड, ओके ओके दारा। तो यहाँ पे मैंने कुछ कुकुम्बर लिया है, यहाँ पे है मेयोनीज। तो यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े हर ब्रेड में मेयोनीज लगा दूँगी। और ये वाला जो मेयोनीज है ना, ये दही से बना हुआ मेयोनीज है। मेयोनीज दो, मतलब दो टाइप में आता है, एक है दही का और एक आता है शायद मलाई का जो बनता है। तो ये दही वाला है। और यहाँ पे मिठाई है चाय, और यहाँ पे मेरा ऑमलेट बनके रेडी है। तो इसको मैं ऐसे थोड़ा सा तोड़ दूँगी। तो यहाँ पे लग चुकी है चारों ब्रेड में मेयोनीज। यहाँ पे मैं दूंगी थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, मैंने घर पे बनाया है, थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे। तो सब में दे दूंगी थोड़ा सा एग भुर्जी। सुबह को बनाया था एग आलू का भुर्जी, मैं भूल ही गई थी, तो मैं इसमें और थोड़ा सा दे दूंगी। बॉईल हो गए, थामिर का दे दो, मैं भूल गई थी, नहीं तो मैं ये नहीं बनाती। ये दो पीस मेरे लिए, कच्चा प्याज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी मैं इसमें दे दूंगी कुकुम्बर्स। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा सॉस। इतना डिलीशियस लग रहा है देखने में, खाने में तो टेस्टी होगा ही, फिर तो उसको छुएगा भी नहीं क्योंकि इसमें अंडे डाले हुए हैं और वो ना कुकुम्बर खाता है ना कुछ, मतलब। और अब इसमें जाएगा थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट। ये जो सैंडविच मैं बना रही हूँ ये सिर्फ मम्मी और मेरे लिए है, रियो शायद थोड़ा सा ही खाएगा क्योंकि मैं जाने के पहले उसको मैंने चावल खिला दिया था। आज ब्रेकफास्ट में चावल, दाल, सब्जी, आलू और एग भुर्जी, वही सब बना था। तो यहाँ पे रेडी है हमारी सैंडविच, चाय भी बन गई है। तो चलिए फटाफट से मम्मी को देते हैं, 12 बजने वाली है। सुबह को आज चावल बनाया था और प्रीत को मैंने पहले ही रोटी खिला दिया, जहाँ तक वो ब्रेड और अंडा नहीं खाएगा। तो ये रही हमारी आज की ब्रेकफास्ट, सैंडविच और चाय है। ये है मम्मी की चीनी वाली चाय और गुड़ वाली चाय, वाली चाय। कैसा बना है? उंगली दर्द हो गया आपकी, ये वाली होनी चाहिए। तुम्हें ब्रेड नहीं आया सामने?
तुम नहीं खाते तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये कैसा बना है? टेस्टी? अरे बहुत टेस्टी है, अरे बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। अच्छा अच्छा तो अपन आमिर नीचे तो ना फिर ना। हेलो गाइस, तो प्रीत और मैं अभी निकले रेडी होके जा रहे हैं भाभी के घर। ये उठ के चले गए हैं, मैंने रियो को खिला के फिर सुला दिया था, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया, 3:20 हो गया है टाइम। और मम्मी का खाना दे के आई हूँ, वो खा लेंगी तो हम लोग भी जाएंगे और आएंगे फटाफट से। तो चलिए हो आते हैं। आप लोग को लग रहा होगा कि मैं और प्रीत क्यों जा रहे हैं भाभी के घर पर दोपहर को, तो भाभी के घर पे जा रहे हैं। उनकी सासू माँ का तो जो डेथ हुआ था, तो आज उनका मतलब होता है ना श्राद्ध के बाद लोगों को इन्वाइट करके खिलाया जाता है, कोई कोई विष्णु सेवा देता है तब खिलाया जाता है, कोई मार्च पौषो जब होता है तब खिलाते हैं, तो जब जिसका सुविधा होता है उसके अकॉर्डिंग ही खिलाते हैं। तो आज है उनका मार्च पौषो, तो आज लंच पे और डिनर पे इन्वाइट है कुछ लोग, मतलब जिसका जो टाइमिंग पे मतलब आसानी होगा जाने का तो वो तब जाएगा। तो हम लोग लंच पे ही गए हैं, मेरे हस्बैंड जस्ट अभी गए हैं, तो मैं और प्रीत उनके पीछे पीछे गए हैं। रियो को मैं सुला के आई हूँ क्योंकि उसको लेके आऊँगी, वो कुछ खाता तो है पर शांति से नहीं बैठेगा और मम्मी भी नहीं आएंगी क्योंकि वो नहीं खा पाती है ऐसे मतलब टाइम पे जो खाना खिलाते हैं ना आफ्टर डेथ, तो वो नहीं खा पाती है, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ये वाली प्रॉब्लम मैंने बहुतों का सुना है, सिर्फ मम्मी जी का नहीं, मेरी मम्मी भी नहीं खाती है और मेरे हस्बैंड का भी सेम प्रॉब्लम है। तो वो आए थे खाने में, उन्होंने बस दाल चावल और फ्राई से थोड़ा सा खाया, मछली तो लिया ही नहीं उन्होंने। और प्रीत को लाने का मतलब है क्या बोलूँ, उसने बस दाल लिया और एक फ्राई लिया और रसगुल्ला खाया, दही भी नहीं खाता, कोई वेजिटेबल्स, कोई फिश, कुछ भी नहीं खाता। गुड गाइस, तो अभी बज रहे, देखिए घड़ी में कितना, 7 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है। तो हम लोग आ गए थे वहाँ से 4:30 बजे तक, उसके बाद में थोड़ा सा सो नहीं, बस थोड़ा सा रेस्ट किए है, अभी उठे हैं। मेरा कैसा लग रहा है, तो अभी जा रहे हैं किचन, कुछ बनाएंगे वीरिंग को, आपके भैया वहाँ पे गए थे पर कुछ नहीं खाया, बस दाल चावल से इतना चावल खा के आ गए, तो उनको लगी है भूख। तो घर में अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, मैं सुबह को ब्रेड लाई थी, वो भी थोड़ा सा बचा है, होगा नहीं, अभी बनाएंगे तो सब खाएंगे बड़े बच्चे। तो मैंने मम्मी को नीचे भेजा है कि अंडा और ब्रेड लाओ, तो मैं कुछ बनाऊंगी। तो चलिए किचन देखते हैं क्या बना पाते हैं। ये लो, इतनी भूख लगी थी, मैं जल्दी जल्दी क्या बनाऊँ, मैंने ये सिंपल सा ब्रेड ऑमलेट बना दिया। कैसा बनाए? अच्छा दादा भाई दुष्टू कर तुम्हारे साथ चार देनी वो पेंटू को दाए ना यार तो गुलो जो तुम्हार कपड़ ये गुलो की हुआ चे की खाचो तुम्हें क्या बनी चे तू बाकी दाद दिखाओ वाह किस शना दाद। इवनिंग का जो मेरा ड्यूटी रहता है, एक्चुअली सॉरी ड्यूटी नहीं, घर का काम एक ड्यूटी नहीं होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जहाँ तक आप एक घर के बहू हो, किसी के पत्नी हो, दो बच्चों की माँ हो, तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके तरफ, तो मैं ड्यूटी बोल के अपने आप को छोटा नहीं करूँगी। सो लेट्स कम टू द पॉइंट, मैं करने जा रही थी क्लीनिंग, मैं कहाँ से क्या बोल रही हूँ, आप लोग भी सोच रहे होंगे कैसे क्या बोल देती है, छोड़िए वो सब बातें। तो आज बहुत दिनों से मैंने अपने रूम की क्लीनिंग नहीं की थी अच्छे से, मतलब वही गॉडरेज वगैरह साफ करना, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी और टाइम भी नहीं मिल रहा था, स्कूल खुला हुआ था। तो आज है संडे, तो सोचा कि इवनिंग का सारा मेरा काम हो गया है तो मैं अभी इसको कर देती हूँ। हस्बैंड अभी तक पड़े हुए थे बेड पे, सुबह को आज सुबह को नहीं दोपहर को उठे 2:30 बजे, देन वहाँ पे गए थे भाभी के वहाँ पे। तो अभी मैंने डांट फट करके उनको सामने के रूम में भेजा, मैंने बोला रूम को थोड़ा इंसान रहने वाला रूम बना दे, देन आप आना। तो वही खिड़की वगैरह आज सब कुछ साफ़ कर रही हूँ, बहुत भाई की शादी के पहले मैंने किया था, उसके बाद तो किया ही नहीं, तो वहाँ लगे हाथ मैंने सोचा कि चलो आज ये सब भी कर देती हूँ। वैसे तो ये वाला खिड़की मैं खोलती नहीं हूँ, ना ही पर्दे हटाती हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बड़ा वाला सोफ़ा के साइड में जो खिड़की है उसका एक पार्ट और दरवाज़ा, दूसरा वाला दरवाज़ा खोलते ही मेरा रूम बहुत ज़्यादा
उजाला हो जाता है तो ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज बस थोड़ा बहुत क्लीनिंग हो रहा है, बहुत दिनों के बाद कर रही हूँ। ये सब बड़े जो ब्लैंकेट्स आपको दिख रहे हैं सोफे पे, आज मैं इनको भी कवर कर दूँगी क्योंकि बहुत गर्मी है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती इनकी। तो मैंने सोचा चलो धूल वगैरह लगेगा, बड़ा वाला ब्लैंकेट धोते टाइम मेरी हवा टाइट हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो इनको भी कवर कर देते हैं, जिस किसी दिन ज़रूरत पड़ेगी आधी रात को उठ के भी ले सकते हैं, हाथ के सामने में ही होता है। क्योंकि ना गोदरेज में जगह है, बेड पे है जगह, पर उसको नहीं डालेंगे क्योंकि कभी भी अचानक से बारिश हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है, तब चाहिए होता है। तो बेड कवर को मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, परसों को ही लगाया था इन्होंने, तो मैंने आज ऐसे ही झाड़ के थोड़ा सा ठीक कर लिया और उसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि दिन में मैंने आज झाड़ू भी नहीं लगाया था क्योंकि सर मेरा बहुत ज़्यादा दुख रहा था, साइनस का प्रॉब्लम है मुझे और मुझे बहुत दर्द हो रहा था आज, तो मैंने झाड़ू वगैरह नहीं मारा। और मम्मी दूसरी तरफ बना रही है खाना, आज संडे है और दिन में वही आलू एग भुर्जी फिर तुरे आलू की सब्ज़ी बनी थी, तो और कुछ बनानी, तो आज संडे है और संडे को अगर चिकन नहीं बनेगा तो संडे ख़त्म नहीं होगा, तो इसीलिए बन रहा है आज चिकन साथ में राइस, मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। और मैं दोपहर को गई थी भाभी के वहाँ पे, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बोनू को क्यों नहीं लेके गई, तो हम बंगाली है, ये नियम शायद बंगाली नहीं बहुत सारे नॉन बंगाली का भी यही नियम होता है कि आफ्टर मैरिज एक साल तक नया दुल्हन दुल्हा ऐसे शायद के घर का खाना नहीं खाते। अगर खुद के घर पे ऐसा इंसिडेंट होता है तो आप बाहर जाके तो नहीं खा पाओगे, आपके पास ऑप्शन नहीं रहता है। तो पर अगर रिलेटिव्स के बाहर ऐसा कुछ होता है तो वो लोग नहीं खा पाते एज ए नियम। तो वहाँ पे जाके भी मैं भाभी और घुस बाबू से आप लोग को मिला नहीं पाई क्योंकि वो लोग बिजी थे, इतने सारे लोग थे, तो शूट करना मेरा एक्चुअली सही नहीं था, फिर भी मैं गई थी। मैं ब्लॉगर हूँ, आप लोगों को दिखाना चाहिए रोज़ मैं क्या करती हूँ, थोड़ा बहुत अपडेट कर दिया, नथिंग एल्स। तो चलिए थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, देन आपसे बात करती हूँ। देखिए थोड़ी देर पहले रूम को ठीक किया था, अभी रूम के हालत फिर से देखिए, इनका बैग यहाँ पे है, लैपटॉप लेके बैठ गए हैं, देखिए पिल्लो, ये देखिए रूम की हालत। और ये सब वो बदमाश देख रहा है ना आपको पर्दे के पीछे से, उसका कारनामे अभी पहन रहा है अभी प्रीत का शर्ट पहनेगा, उसको बड़े बड़े चीजें पहनने का बहुत शौक है। और ये देखिए लैपटॉप में कुछ काम नहीं कर रहे, क्या देख रहे कहाँ पे देख रहे, कहाँ पे प्ले हो रहा है, आवाज कहाँ से हो रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो ये देखिए ये क्या देख रहे, किसका ब्लॉग देख रहे, देखा है क्या वाला ब्लॉग, ये देखिए क्या दिखने को मिल रहा है, कुछ लग रहा है क्या, दिखाई दे रहा है आप लोग को, एड्रेस तो नहीं है, ये अभी कर रहे होटल बुकिंग, ये यहाँ पे देखिए कहाँ पे जा रहे हैं, इसके लिए बुकिंग हो रहा है, देखिए बुकिंग केदारनाथ के लिए जा रहा है, फ्लाइट है इनका, कब का है वो मैं बाद में बताऊंगी। तो ये ही कर रहे, देखिए रूम में कोई नहीं है, फैन चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का किसी को फिक्र ही नहीं है। और यहाँ पे हमारी सासू मोम के बाल देखिए आप लोग कितने मोटे मोटे बाल है, देखिए पहले इनका बाल कितना था आपको पता है, जो लोग मेरे पहले व्यूअर से या फिर मेरे नॉन कुछ है फैमिली मेम्बर्स नहीं है, दोस्त वगैरह है, उनको पता है पहले मम्मी का बाल ना इतना तक था, तो मैं तो नहीं काट पाती हूँ, एक बार मैंने यूं काट दिया था, मम्मी मुझे इतना डांटी बहुत महीनों तक, उसके बाद में मम्मी से संभाला नहीं जाता तो मम्मी ने इतना कर लिया। अभी मैं दिखाती हूँ मम्मी का बाल कितना है, खोल के दिखाती हूँ, ये देखिए ये सब क्लिप मम्मी के बालों में नहीं आता है, मोटापा देखिए इतने काले बाल कुछ भी नहीं करती, बस अभी मेरे संगत में रह के कभी कभार ये वो बारगंडी वाला है ना कर लेती है, पहले तो नहीं करती थी, अभी ये देखिए मम्मी का बाल इतना, मतलब इनका मेरा इतना होगा, ये मम्मी का बाल कितने काले बाल है, कोई कलर नहीं करती, बस कभी कभार मन होता है मेरे साथ तो मेरे संगत में ये है ना कर लेती है, कुछ नहीं। और यहाँ पे देखिए बन रहा है चिकन,
अभी जाएगा घी। देखिए मैं अकेली नहीं डालती हूँ घी, मैं दिखाती हूँ ना कि मैं चिकन में कभी कभार घी डालती हूँ, तो यहाँ पे मेरी सासू माँ भी डालती है। तो मेरे चिकन, मेरे जितने भी रेसिपीज होते हैं सर इनसे सीखे हुए हैं। गरम मसाला देने से मेरे हस्बैंड नहीं खाएंगे, पैकेट वाला खाते हैं, पर ऐसे अगर आप इलायची वगैरह कूट के दोगे ना तो वो नहीं खाते, तो इसीलिए हम लोग ये करते हैं पैकेट वाला गरम मसाला साथ में घी देते हैं तो फ्लेवर थोड़ा अच्छा आता है। कलर नहीं आया क्योंकि आपने कश्मीरी नहीं डाला है, और कश्मीरी तो है नहीं, डालेंगे कैसे। ये देखिए हेल्थी वाली चिकन और साथ में बनी है चावल। ये चावल दोपहर को बनाते टाइम मैंने थोड़ा सा जला दिया था, तो इसको भी मैं ही खाऊंगी। वहां पीछे देखो, पीछे पीछे देखो। हाथ मुँह धो के आ गई, थोड़ा सा फेस वॉश भी कर लिया, दिन में थोड़ा सा फाउंडेशन लगा लिया था भाभी के घर पे जाने के पहले, और शाखा वगैरह सब कुछ निकाल दिया क्योंकि ये सब लगा के मैं सो नहीं पाऊंगी, इतनी भयानक वाली गर्मी है। बस ये हेयर टॉप रहता है, नहीं तो मैं इसके बिना ही घर से निकल जाती हूँ, तो इसलिए मैं हमेशा ये छोटा वाला टॉप एप्पल का ये लगाती हूँ। तो मम्मी बुला रही है खाने के लिए, खाना मम्मी ने मतलब प्लेट लगा दिया है। तो चलिए आज का व्लॉग अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करना ना भूले, और मेरे नए पुराने सारे दोस्तों को थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और जो अभी अभी जुड़े हैं चैनल से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया बिना मत जाइएगा, और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए तब तक सावधानी बरते, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रखिए तभी तो आप भी सुखी रह पाएंगे, और मेरे चैनल पर अपना प्यार देते जाइएगा। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।